लोक सेवा अधिकारियों की तारीफ करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि दुनिया में सबसे बेहतर काम है सिविल सर्विस। जिस तरह से आप लोग जनता का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से सरकार भी आपके परिवार तथा उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से लोक सेवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में IAS, IPS तथा WBBM सहित अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बंगाल को इस मुकाम पर पहुंचाने में अधिकारियों की भूमिका सराहनीय है। सीएम ने इस मंच से एक बार फिर से सिविल अवार्ड चालू करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि बेहतर काम करने वालों को अगले साल से लोक सेवा दिवस पर भी सम्मानित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आज बंगाल की कई परियोजनाएं पूरे देश में नंबर वन पर है, जो विभाग ऐसा अब तक नहीं कर पाए हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि बेहतर लीडर हो तो उसे नंबर वन पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। किसी न किसी को लीडरशिप निभानी होगी। काम में आपसे तालमेल बहुत जरूरी है। सीएम ने कहा कि जब वह केंद्रीय मंत्री थी, उस दौरान बंगाल के बारे में बेकार व व्यर्थ बातें सुनकर काफी बुरा लगता था। आज बेस्ट सुनकर गर्वित महसूस होता है। শুধু শুনতাম বাংলা মানেই ব্যর্থতা, বাংলা মানেই কিছু নেই, বাংলা মানেই শুধু বন্ধ, শুধু ধর্মঘট, শুধু ফাইল ফেলে রাখা। এসব শুনতে শুনতে না কখনো কখনো নিজেরাও লজ্জা পেতাম, লজ্জিত হতাম, মর্মাহত হতাম। আমি দিল্লিতে আমার ক্যাবিনেট মিটিং থেকে শুরু করে আমি ক্যাবিনেটে সবটাই করতে হয়, সেরকম সিভিল সার্ভিসদেরও মধ্যে নানা ডিপার্টমেন্ট আছে এবং এই ডিপার্টমেন্টগুলো একসাথে কাজ করলে কাজটা কত ক্লিয়ার হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, এবং যারা করতে পেরেছে তারাই বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ করা যায়। অনেক সময় আমরা দেখতাম কাগজ পড়ে থাকতো তো পড়েই থাকতো। লাল পিতের বাদন বলে একটা কথা আছে গভর্নমেন্ট অফিসে, এবং আমি এখন মনে করি এ বাঁধন অনেক কেটে গেছে। এখনও যদি কারো কাছে পড়ে থাকে আমি তাদের বলবো আইডেন্টিফাই করুক এক একটা সেকশনকে, তাহলে দেখবেন কাগজগুলো আপনি বুঝতে পারবেন। যেমন আলাপনরা এখানে আছে, গতিধারা ইজ এ ডিফারেন্ট সেকশন।